Amit. Pwedeng kampiyo. Eh? Pwedeng kampiyo na. Oo. Pag-send bilaga na yun. Send kya sa isa? Hey, matawa. Bukhar ukhar laga tha, ek do din. Us din ka? Uska to laga na padega na. जो सूटी ले रहा है उसका आप समझते नहीं लग रहा है कौन बोला नहीं लगता है यार तो सबका लगता है देखें किसका लगता है वो मनोज कौन नंदलाल कौन है मैं नहीं पता नहीं कौन है सबका अपसेट लगाने हैं अरितेश का अपसेट लगाया दो चार दिन का दो चार दिन का लगाइए उसका से काम करके नहीं दे रहे हैं परसेंट ले गया ना सिंटू आ गया इसका खाली अब सिंट ही रहा था तेरी वाज से मैं चंद ला अधिकारी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है लेकिन हमेशा के लिए नौकरी से निकालने का अधिकार उसे नहीं होता है सबसे डरा हुआ यही कर्मचारी रहता है ये डीएम है ना डीएम इसका नाम होता है कलेक्टर ये राजा से कम नहीं है ये तो आप जब आईएएस बनिएगा 25-30 साल का अनुभव हो जाएगा तो पूरा झुंड में रहिएगा आप लोगों को बिल्डिंग में रखा जाएगा 311 आर्टिकल 311 में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो भी नौकरी करता है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा उनकी नौकरी से आप ऐसे नहीं कि एक झटके में उनको नौकरी से निकाल ठीक है तो उनको ना क्या करना है आप लोगों को संरक्षण देना है संविधान उन लोगों को क्या देता है संरक्षण देता है किसके तहत 311 के तहत इसलिए देखिएगा आईएएस अधिकारी जो डीएमएसपी होते हैं छूट नहीं रहा है नौकरी से निकालना काफी विजय भाई छूट नहीं रहे क्योंकि अगर आपने यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के थ्रू क्या लिया है जॉब लिया है तो आपके लिए संरक्षण का अधिकार किसमें है 311 में किसमें दिया गया है 311 में दिया गया है ठीक है तो संघ लोक सेवा आयोग या फिर जो भी राज्य लोक सेवा आयोग है इनके कर्मचारियों का संरक्षण आपसे पूछ चुका है कि संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों का संरक्षण आर्टिकल संख्या 311 में दिया गया किसमें दिया गया 311 अब हम चलते हैं 312 उसके बाद चलेंगे 315 ठीक है 312 में क्या कहा है तो इसको पहले समझते हैं अखिल भारतीय सेवा क्या होती है तीन टाइप की नौकरी को ध्यान से समझिए ये तीन नौकरी एक अखिल भारतीय कहाँ पे Thank you.
अपना काम कर देना, जब मैं इन सब पे पेल लिया हूँ ना सही करके, तो मुझसे इन्हें बचाने आ जाना, क्योंकि जब मेरा हाथ उठता है तो मुझे भी नहीं पता रुकेगा कि नहीं। धोखे से अगर एक आदमी मर गया तो मुझे दुख होगा, मैं नहीं चाहता मेरे हाथों किसी की जान जाए। इन लोगों को गुलाम बना के रखेंगे, जान से नहीं मारेंगे। आ जाना तुम इन लोगों को बचाने। तो भाई यहाँ आना बेटर है, आइस एप्पल का जूस तो बहुत फेमस है मदुरई के अंदर, मदुरई चेन्नई के अंदर दोनों के अंदर। और ये देखो काट ले या ना अंदर ने यहाँ से। इसको निकालते हैं ग्लास के अंदर, ही प्लास्टिक की रास्ते प्लास्टिक की हुई है और कांच की हुई है। पीने के लिए डालेंगे इसके अंदर। वाओ अमेजिंग। ये जूस अन्ना गुड गुड अन्ना, प्राइस ऑफ दिस प्राइस रेट हाँ 50 rupees। ओके विद दिस 80। कहाँ भेजें आपको बताएं? दिल्ली भेज दें। यार बोलो मत काटो मुझे, मेरे अंदर भी जान है, मुझे भी दर्द होता है। सही बात कही है यार, होता है दर्द, वो भी तो इंसानों की तरह ही है। फिर ये लो दर्द का दवा खाओ, हम तो काटेंगे। आपका कोई आश्रम है वहाँ पर? मंदिर के आप पुजारी हैं? अच्छा, और ये तो गाड़ी बड़ी खतारा हालत में है, आप ही गाड़ी है? बहुत खतारा है। बैठे रहिए बैठे रहिए बैठे, गाड़ी से हम किसी को नहीं उतारते हैं, गाड़ी पर आपका हक है, बैठिए। ऐसी भी गाड़ी आपने ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो तो हम चेक करेंगे, तो गाड़ी का कागज वगैरह बाद में निकलेगा, लेकिन सबसे जरूरी चीज होता है महाराज जी हेलमेट। घर में खाना भी नहीं खा रहे हैं मटन के चक्कर में, इतना अच्छा बन रहा है जो यहीं खा रहे हैं। देखिए भाई साहब, रंगत इस मटन की ना बहुत ही कमाल की रंगत आ रही है, खुशबू एकदम लाजवाब है। ये देखिए चुस्ता, हाईली डिमांडेड चुस्ता। तो एक बार फिर से हम आपको लेकर आए हैं समस्तीपुर। ये बंद ना कर।
अब जब मैं वहाँ आऊँगा तो बिल्कुल आपके लिए एक बढ़िया सा चश्मा लेकर। कहाँ से आए? जयपुर से। अरे करे जाएगा घर में हमारा बुराट झुराट नकामी रात बीता हुआ चिल्लाता छोड़ा हूँ सर। तू ये बतावा कि तू इतना बिजी कहाँ रहता रू? हमारा दूजी में
लेकर जिनपिंग का काफिला जब दिल्ली की सड़कों पर गुजरेगा तो वो चलता फिरता एक कंकर जैसा होगा। वैसे तो शी जिनपिंग की सुरक्षा के लिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया, लेकिन वो अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह ही जहां भी जाते वहां वो अपनी सिक्योरिटी का भारी लाभ लश्कर लेकर जाते हैं। ताज पैलेस होटल में भी मल्टी लेयर सिक्योरिटी रहेगी। यहां ऐसी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है जिससे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। जमीन पर शी जिनपिंग जैसे मेहमानों की सुरक्षा के लिए कमांडोज चौकन्ने रहेंगे, तो आसमान से भी कोई बुरी नजर नहीं देख पाएगा। राजधानी में अगले 15 दिनों तक किसी भी तरह के पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, गैंग ग्लाइडर्स, ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट या हॉट एयर बलून पर भी पाबंदी लगा दी गई है। दुनिया के शीर्ष नेताओं की सुरक्षा में एनएसजी कमांडो और दिल्ली पुलिस के टॉप फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। शी जिनपिंग जैसे शीर्ष नेताओं की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के रक्षकों की 50 टीमें तैयार की गई हैं, जिसमें करीब 1000 जवान शामिल रहेंगे। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आम तौर पर सुरक्षा कैसे होती है। वैसे तो शी जिनपिंग की सुरक्षा चीन की सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो करती है। जिनपिंग के घर से लेकर बाहर के दौरे तक भी सेंट्रल सिक्योरिटी ब्यूरो के 500 जवान तैनात होते हैं। ज्यादातर ये कमांडोज होते हैं। जिनपिंग की सुरक्षा का जो सबसे अंदरूनी घेरा होता है उसमें 6 से 8 पर्सनल कमांडो होते हैं, जिन्हें जिनपिंग बारी बारी से बदलते रहते हैं। शी जिनपिंग भी विदेशी दौरे पर अपनी सिक्योरिटी लेकर चलते हैं। इस होटल के आसपास का इलाका खाली है, ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। कैंट इलाके के आसपास सुरक्षा बेहद सख्त है। होटल में जिनपिंग के लिए बंकर बन चुका है, लेकिन सड़क पर उनका काफिला भी चलता फिरता किले के समान ही है। उनके हर काफिले में कुछ पायलट गाड़ियां होती हैं जो आगे चलती हैं और रूट को क्लियर करती हैं।